आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीएफ में लंपसम किया जाए या एसआईपी किया जाए। एंड बाय द वे, आंसर इतना सीधा नहीं है। लंपसम में भी एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, जिसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके रिटर्न्स जो है हीरो से ज़ीरो हो सकते हैं। तो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड इस चैनल पे वैसे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए बात करते हैं कि पीपीएफ क्या है। पहले तो वो आपको आई एम होपिंग कि पता लग गया, अगर नहीं पता लग गया तो मैंने पहले वीडियो बनाया, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इंटरेस्ट रेट गाइस 7.1% करंटली यहाँ पर चल रहा है। तो वो 7.1% जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। एज वेल एज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर हम मंथली कितना पैसा लगाएं तो क्या रिटर्न हमको मिलकर आता है 15 साल के एंड पे, जो कि इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन होता है। अगर हम लमसम लगाए तो 15 साल के एंड पे हम लोगों को क्या आउटपुट निकल कर आता है, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले तो कि इंटरेस्ट रेट 7.1% है, कैलकुलेटेड कैसे गाइस? ये मंथली कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि अबाउट 0.59% के आसपास जो है। 7.1% को अगर आप 12 से डिवाइड कर दो 0.59 समथिंग यहाँ पर फिगर आता है। तो मंथली कैलकुलेट किया जाता है, बट इट इज पेड एनुअली आपको। अब मंथली ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है, दिस मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो पहले मंथली में एक चीज और आपको ध्यान देना है, 5वीं तारीख 5th of a month से पहले अगर आप यहाँ पर जमा कराते हैं तो वो उस मंथ में काउंट होता है। सो अगर आप 5 तारीख के बाद का कर रहे हैं देन इट इज गोइंग टू काउंट एज अ डिफरेंट मंथ। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने अक्टूबर 5 तारीख से पहले यानी कि 4 अक्टूबर को यहाँ पे जमा करा दिया तो वो पिछले मंथ में मेरा ऐड होगा। अगर मैं उसके बाद जमा कराता हूँ तो वो नेक्स्ट मंथ वाले में ऐड हो जाएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट किया जा रहा है, चाहे वो ईयरली पे आउट हो रहा हो बट कैलकुलेट मंथली किया जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम किस महीने में शुरुआत करते हैं। इसका आंसर या इसका असर बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है हमको लमसम में दिखेगा, और वो आंसर क्या है उसके लिए आप वीडियो आगे देखते रहें। सो दोस्तों, चलिए एक काम करते हैं, आप अपन एग्जांपल लेते हैं। लेट से आप 5,000 रुपये यहाँ पर पीपीएफ में लगाना चाहते हैं। और बाय द वे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पीपीएफ में पैसा लगाएं, वो आपका डिसीजन है। क्योंकि पीपीएफ अगर आप वैसे देखो तो इतना लंबा लॉक इन मैं पर्सनली बड़ा फैन नहीं हूँ, बट आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे तो ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। बट पॉइंट इज कि पीपीएफ में थोड़ा बहुत एक्सपोजर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब 3 साल के लॉक इन में ईएलएसएस में या 5 साल के एफडी के लॉक इन में लगाया जाए। बट अगर आप पीपीएफ में लगाना चाहते हैं, लेट्स से आप 5,000 रुपये पर मंथ यहां पर लगाते हैं, जो कि साल का 60,000 रुपीज हो जाता है। एंड बाय द वे, बहुत सारे लोगों के लिए एसआईपी माइट मेक फॉर अ बेटर ऑप्शन। लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में कि फिर भी इंटरेस्ट रेट या जो भी आपको मिल रहा है उसके बाद भी शायद दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो। और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है वो होता है लमसम का, जो है 60,000 रुपये। तो साल के 60,000 रुपीज़ आप लमसम में लगाते हो वर्सेस 5,000 रुपीज़ पर मंथ लगाते हो। सो गाइज, मंथली अगर मैंने 5,000 रुपये लगाया है पीपीएफ में तो 15 साल की मेच्योरिटी के बाद मेरे पास निकल कर आएगा 15,77,841 रुपीज़। और अगर मैंने यही साल का 60,000 रुपये लगाया होगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 16,27,283 रुपीज़। एंड येस, विद दैट ये प्रूव हो गया कि लमसम में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नहीं, नॉट रियली। बात करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। क्यों रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है उसकी बात करते हैं। पहली बात, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, आप मंथली पैसा डाल रहे हैं तो आपको मंथली आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो रहा है। तो लेट से आपने साल के पहले महीने में, याद रखना ये वर्ड, साल के पहले महीने में 60,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए तो आपका पहले महीने का जो इंटरेस्ट रेट है 60,000 पे कैलकुलेट होगा, दूसरे महीने का 60,000 पे कैलकुलेट होगा, तीसरे महीने का 60,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। बट अगर यही आप एसआईपी कर रहे थे तो 5,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, फिर 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, फिर 15,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। एंड यहाँ पर फर्क पड़ जाता है क्योंकि 60,000 का जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो रहा है वो हमको पहले से देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे क्लासिक गलती हो जाती है बहुत सारे लोगों से। वो क्या करते हैं, ईयर एंड आ गया भाई, सीए ने बोला पैसा डालना है तो 60,000 रुपया या 1,00,000 या 1.5, मान लो आप एटीसी पूरा ही पीपीएफ में कर रहे हो, जो आई थिंक अ मिस्टेक है, बट लेट से आप कर रहे हो, आप क्या करते हो 31 मार्च के जस्ट पहले पूरा पैसा डाल देते हो। उसमें आपने पूरा रिटर्न एक साल का खो दिया अपना। क्यों खो दिया? सो बहुत सिंपल सी बात है गाइज, आपने साल के लास्ट मंथ में लगाया है और मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ तो आपको सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट मिला है पूरे साल में। सो 31st of March को लगाने की बजाय आप
फर्स्ट और फिफ्थ अप्रैल के बीच में लगाएं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फिफ्थ अप्रैल तक अगर आप यहां पर लगाते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा साल आपके 60,000 रुपीज पे आपको इंटरेस्ट यहां पर मिलता रहेगा, एंड तब जाकर हमारे पास वो वाला हायर नंबर यहां पर आएगा। नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है पहले साल का वो लेस देन हाफ यहां पर आपको निकल कर आएगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ये चीज मिस कर देते हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर हमें एक साल एडवांस में चलना पड़ेगा अगर हम पूरी तरह से इस फैसिलिटी का जो है लुत्फ उठाना चाहते हैं थ्रू लमसम। नाउ अब बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे पास ना 1.5 लाख रुपए लमसम ईयर एंड पे बचता नहीं है, मैं क्या करूं। सो बहुत सारे लोगों के लिए SIP माइट स्टिल बी द बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं SIP करना। बहुत बार जैसे मेरे पास है, मेरे पास एकदम से लमसम नहीं आता, 1.5 लाख 2 लाख इमीडिएटली लमसम आए फिर मैं उसको डालूं, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। यूजुअली SIP जितने पैसे जाने की सैलरी से और वो सबसे हम लोग इजिली कर सकते हैं। तो अब अगर आप SIP लेवल में काम करना चाहते हैं बट आप जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आपको एक साल एडवांस काम करना पड़ेगा। और एक साल एडवांस कैसे काम कर सकते हैं, आप अप्रैल से पैसा जमा करना स्टार्ट करें। जमा कैसे, एक RD लगा दें चाहे, राइट। वो RD आप ओपन कर सकते हैं 1 ईयर के मेच्योरिटी के हिसाब से। अप्रैल में आपने ओपन कर दी, मान लो आपने 1 अप्रैल को ओपन कर दिया, 31 मार्च को ओपन कर दी, इस तरह का कर दिया, उसके बाद आपकी RD चलती जाएगी। तो मान लो आप ईयर एंड पे लमसम ही डालना चाहते हो बट 60,000 रुपीज डालना चाहते हो, तो वो RD में 60,000 रुपया ईयर एंड पे आपके पास आ जाएगा। उसको RD को तोड़वाएं और उसका 60,000 जो है आप यहां पर लमसम फर्स्ट और फिफ्थ अप्रैल के बीच में डाल दें। तो यहां पे आपने एक साल एडवांस में चल लिया, आपने SIP भी लगा ली। अब SIP लगाने का फायदा क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा RD का रिटर्न मिल गया, बट उससे कहीं ज्यादा फायदा ये हुआ गाइस कि आपको अलग से पैसे अरेंज नहीं करने पड़े। क्योंकि क्या होता है जब सैलरी से ना अपने आप कट जाते हैं ना तो साइकोलॉजिकली उतना प्रेशर नहीं आता, तो इट मेक्स फॉर अ बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए कि आप SIP लगा लें पहले से ही और फिर लास्ट में उसको लमसम PPF में डालें। SIP जो है आप SIP चाहे तो RD की लगा सकते हैं, बट आप एक ऑटो पे या ऑटो डेबिट रजिस्टर कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास दो बैंक अकाउंट्स हैं, एक आपका खर्चे वाला और एक ऐसा अकाउंट है जिसको आप इमरजेंसी फंड की तरह यूज करते हो, तो RD ना करते हुए आप हर महीना 5,000 रुपये इस अकाउंट से इस अकाउंट में ऑटोमेटेड एक ट्रांसफर इनिशिएट कर सकते हैं कि वो हर महीना अपने आप होगा इस तारीख को। तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि इस अकाउंट में ईयर एंड पे आपके पास 60,000 रुपये आ जाएगा जो कि आप 1 अप्रैल के पास यहाँ पर लगा सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू योर बेटर PPF के रिटर्न। तो इससे बेसिकली हमको थोड़ा सा आइडिया होगा कि PPF में लमसम यूजुअली बेटर है एंड उसको SIP को लमसम में कैसे कन्वर्ट किया जाए या SIP वाले अप्रोच को लमसम में कैसे कन्वर्ट किया जाए अगर हमारे पास लमसम पैसा नहीं है, वो भी हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा एंड इससे आपको कुछ वैल्यूएबल चीज यहाँ पर मिल रही है। अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। जाने के पहले गाइस, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।